दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल और मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रावधान से आज मैं 20 दिसंबर सन 2021 आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, कारोबारी सप्ताह का पहला दिन सोमवार, कुछ प्रमुख सूचनाएं, कुछ प्रमुख नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जो घोषित हुई है उसके ऊपर मैं सबसे पहले बात करना बहुत जरूरी समझता हूं। सोयाबीन सहित कई एग्रो कमोडिटीज पर के वायदा बाजार के ऊपर एनसीडीएस के अंदर रोक लगा दी गई है। सोयाबीन, गेहूं, चना, सरसों, क्रूड पाम ऑयल, मूंग और धान की फ्यूचर ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए वित्त मंत्रालय ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को निर्देश दिया है और इसके बाद सेबी के निर्देश पर एनसीडीएक्स ने आज खाद्य वस्तुओं के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी है। एनसीडीएक्स की एक विज्ञप्ति के अनुसार एनेक्सर वन में सूचीबद्ध कमोडिटीज में फ्रेश पोजीशन में कारोबार पर रोक रहेगी। एनसीडीएक्स एनेक्सर वन के अंदर जो शामिल है वो है गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल, सोया मील, क्रूड पाम ऑयल, मूंग और एनसीडीएक्स सोया डेक्स के नई पोजीशन के खरीद और फरोख पर रोक लगाने की सूचना मिल रही है। एक ऐसा माना जा रहा है इसमें सबसे ज्यादा असर सोयाबीन पर पड़ने की संभावना है। इसी कमोडिटी में इस समय सबसे ज्यादा वायदा में कारोबार या वॉल्यूम भी देखा जा रहा है। एक्सचेंज ने कहा है कि ये आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट अगले आदेश तक लॉन्च नहीं किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि ये सरकार ने कदम महंगाई पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से महंगाई के आंकड़े फिर से उछाल आने से सरकार की चिंताएं बढ़ गई थी। कोरोना काल में खाद्य वस्तुओं की महंगाई के प्रति सरकार का अत्यंत सतर्कता बरतना उचित भी है। इस साल उत्तर प्रदेश में एवं कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, इसकी भी एक ये प्रमुख वजह बताई जा रही है। दोस्तों, ये एक विशेष सूचना है, ये सभी कारोबारियों के लिए बहुत अहम स्थान रखती है, इसलिए सबसे पहले हमने शो में लिया। अब हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। गौरतलब है कि बाजार तेज है या मंदे, क्या आप मुनाफा कमा रहे हैं, क्या आपको फॉर प्रॉफिट हो रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति का लेनिया हर कमोडिटी में नहीं होता, हर जगह नहीं होता। क्या आज बाजार में, चाहे कमोडिटी हो, करेंसी हो या फिर एग्रोजींस या फिर स्टॉक मार्केट में, आप बाजार से कुछ ले जाने की स्थिति में रखते हैं, ये राशियों के आधार पर जानिए। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और पांचवा तत्व आकाश इन 4 तत्वों में ही समायोजित है। सबसे पहले अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही है, एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे। ऐसा असमंजस की स्थिति, करूं ना करूं, कितना करूं, रुक जाऊं, देख लूं, ऐसी स्थिति रहेगी। 12 से 1 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, आज लाभ कमाने की स्थिति में हो सकते हैं, निर्णय सही साबित हो सकते हैं, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आया हुआ मुनाफा हाथ से निकल भी सकता है। 3, 7 और 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां हैं, तेज रफ्तार, तुरंत निर्णय और बड़ा प्रॉफिट की चाह, ये आपकी विशेषता होती है, मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रहा है। 2 से 3 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, बड़े सौदों से बचें। 3 से 4 बजे के बीच में कोई अतिरिक्त जोखिम लेने से बचना चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब एग्रो जींस के अंदर क्या संभावना बन सकती है, महत्वपूर्ण निर्णय सेबी सरकार और एनसीडीएक्स का, लेकिन इससे पड़ेगी कारोबारियों को मार। गौरतलब है सोयाबीन ऑयल खरीफ की फसल की सबसे बड़ी फसल मानी जाती है, कॉटन और सोयाबीन। सोयाबीन के ऊपर बहुत उठाक पटाक जारी चल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होती जा रही है क्योंकि सोयाबीन के अंदर पिछले लगभग 2.5 महीने के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव रहा। पहले सोयाबीन बहुत तेजी से नीचे गिरा, फिर सोयाबीन के इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर बात हुई, डीओसी के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी की कटौती दर्ज हुई, फिर सोयाबीन के अंदर किसान और कारोबारी उभरे थे, थोड़ा बहुत उभरा, तो उसके बाद में अब एनसीडीएस के ऊपर सोयाबीन एवं सोया ऑयल, रिफाइंड ऑयल के ऊपर रोक। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्या वायदे बाजार की तेजी मंदी से फर्क पड़ेगा,
कहा जाता है कि कमोडिटीज के अंदर तेजी और मंदी वायदे से नहीं अपितु मांग और सप्लाई के कॉम्बिनेशन से बनती है। यदि मांग अच्छी है तो मांग अच्छी होती है तो यदि सप्लाई यदि कम है तो बाजारों के अंदर भाव बढ़ जाते हैं, और यदि सप्लाई अधिक है और मांग कम है तो बाजार गिर जाते हैं। ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। एक और महत्वपूर्ण बात, खाद्य तेलों में तेजी और मंदी का पूरा कंट्रोल भारत की भारतीयों के हाथ में नहीं है, क्योंकि लगभग 55% सोया या खाद्य तेल या खाद्य ऑयल सीड हम विदेशों से मंगाते हैं। जब तक हम स्वयं आत्मनिर्भर नहीं होंगे इसकी तेजी और मंदी पर लगाम लगाना पूरी तरह से संभव नहीं हो सकता है। तो एनसीडीएक्स के ऊपर जो वायदे कारोबार के अंदर लोग जो हेजिंग पोजीशन बना लेते थे, क्योंकि एनसीडीएक्स का जन्म एनसीडीएक्स का मतलब और एमसीएक्स का मतलब ही किसानों को अपनी पोजीशन को हेज करना है। यदि उनको लगता है कि उनकी फसल अच्छे भाव में बिक रही है या उसके अंदर कुछ गिरावट आती है तो वो अपनी पोजीशन को या हेजिंग पोजीशन बनाते हैं और उससे उनको नुकसान से बचाव होता है, ये उसका एनसीडीएक्स का मतलब है। लेकिन कहा जाता है कि जहां अच्छे मकसद से कोई काम होता है तो उसके अंदर कुछ सटोरिया हर जगह घुस जाते हैं, और वो सटोरिये जो हैं स्पेकुलेटर्स हैं, पंटर्स हैं, या उनको अलग अलग भाषा में कुछ भी कहिए, वो उसका फायदा नुकसान उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ऐसा कुछ होने हो भी रहा है, लेकिन ये सारा ही नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई दोराय नहीं है। तो रोक लगाने से यदि भाव रुक जाएंगे तो वो सीमित अवस्था के अंदर तो रुक सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के अंदर सोयाबीन या ऑयल सीड की तेजी मंदी का पूरा प्रभाव एनसीडीएक्स के सौदों को रोकने से नहीं पड़ेगा, ये निश्चित रूप से मान के चलिए। छोटी अवधि के अंदर क्योंकि सौदे काटने पड़ेंगे क्योंकि नई फ्रेश पोजीशन है नहीं, तो सोयाबीन और सोया ऑयल के जो दाम है वो बाजारों में गिर सकते हैं। इसका असर कैस्टर सीड के ऊपर भी पड़ सकता है, कपास खली के ऊपर भी इसका प्रसार का प्रभाव पड़ सकता है, उसमें भी गिरावट आ सकती है। गौरतलब है कि अभी तेज ठंड और पाले की सी स्थिति हो रही है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, वहां पर तेज ठंड की सूचनाएं मिल रही है, और जैसे ही तापमान 2 डिग्री से नीचे जाएगा ये कुछ फसलों के लिए अच्छा भी नहीं होगा, ये विशेष बात है। तो इस आने वाले जो 15 दिन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, रबी की फसलों के लिए जो बुआई हुई है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसके ऊपर हम विशेष एपिसोड भी लेके आएंगे कि ठंड का क्या फर्क पड़ेगा और इसका क्या ऑयल सीड के ऊपर, क्योंकि रबी की फसल है उसके अंदर सरसों जो मस्टर्ड है वो एक सबसे ज्यादा बिजाई की सूचना मिल रही है और उसका रकबा सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो इसके ऊपर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आज हम देखें सोयाबीन, सोया तेल, कपास खली और कैस्टर सीड के अंदर कमजोरी की संभावनाएं, से इनकार नहीं किया जा सकता। एनसीडीएक्स के ऊपर इसके भाव कमजोरी दर्ज कर सकते हैं। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज, दर्शकों आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको कच्चे तेल के ऊपर बात कही थी, कच्चे तेल में गिरावट की बात कही थी। कच्चा तेल आज लगातार 3% से अधिक की गिरावट दर्ज कर रहा है, इसके अंदर कमजोरी जारी रह सकती है। इसके अतिरिक्त बुलियन यानी सोने चांदी के अंदर भी हम आज बात करें तो ऊपरी स्तरों पर इसके ऊपर भी दबाव बन सकता है, लेकिन एक खासियत इसमें यह है क्योंकि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के खिलाफ कमजोरी दर्ज कर सकता है आने वाले 1 से 2 दिन में, तो इसका प्रभाव बुलियन के अंदर भी पड़ेगा यानी सोने चांदी के अंदर, क्योंकि जैसे ही भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के बरखिलाफ कमजोरी दर्ज करता है उसका सकारात्मक प्रभाव बुलियन में पड़ता है। अतः अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर यदि सोने और चांदी के अंदर गिरावट दर्ज होगी तो उसका फर्क अवश्य पड़ेगा, लेकिन ये भारतीय रुपए की कमजोरी का भी उस पर सकारात्मक प्रभाव है, तो इसके अंदर विशेष ध्यान रखने वाली बात है। बेस मेटल के अंदर मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है, बेस मेटल में गिरावट आने वाले 1 से 2 दिन में बनने की संभावनाएं बन रही हैं। अब शेयर बाजार के अंदर क्या संभावना बन सकती है, शेयर बाजार में आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर एक गिरावट की बात कही थी और ये भी कहा था कि FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और यदि हम दिसंबर का पूरा महीना देखें तो 1 से 20 तारीख के बीच में एक भी दिन ऐसा नहीं था जहां पर विदेशी संस्थागत निवेशकों को नेट बिकवाली नहीं की गई।
जबकि जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक हैं यानी डीआई जिसे हम लोग कहते हैं वो उतनी मात्रा में खरीद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक विषय है और लगातार इसके अंदर जो विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली कर रहे हैं इससे भारतीय बाजारों के अंदर लगातार गिरावट की भी संभावना बन रही है। आज भी सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर गिरावट बन सकती है और विशेषकर मैं दर्शकों से शेयर करूंगा कि उन शेयर्स के अंदर ज्यादा गिरावट बनेगी जिसके अंदर एफआईज का योगदान सबसे अधिक है। एफआईज का योगदान रिलायंस के अंदर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यदि एचडीएफसी देखें, एचडीएफसी बैंक देखें, आईसीआईसी बैंक देखें, इसके अंदर भी विदेशी संस्थागत निवेशकों का बड़ा निवेश है। मेटल स्टॉक्स के अंदर टाटा स्टील के अंदर भी विदेशी संस्थागत निवेशकों का अच्छा निवेश है, उसके अंदर भी गिरावट की संभावना बन सकती है। मेटल स्टॉक्स चाहे वो वेदांता हो, इंडालको हो, टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, इनके अंदर भी गिरावट की संभावना बन सकती है। सेंसेक्स में लगभग 1300 पॉइंट की गिरावट दर्ज हो चुकी है और निफ्टी भी लगभग 400 पॉइंट की गिरावट की ओर अग्रसर हो रही है। एक और विशेष बिंदु स्टॉक मार्केट के लिए मैं बताना चाहता हूं कि दिसंबर महीना के अगले लास्ट जो दो यानी कैलेंडर ईयर के जो 51वें और 52वां सप्ताह होता है वो अक्सर मुनाफा वसूली की अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसकी प्रमुख वजह यही बताई जाती है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं जो मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं वो अपने वीकेंड्स में चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं और उसके बाद वो जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक में वापस आते हैं जब तक बाजारों के अंदर गिरावट या लल की स्थिति में रहती है। ऐसा कई सालों से देखने को मिल रहा है, इस साल भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो यह भी एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि और जो विशेषकर जो लंबी अवधि के खिलाड़ी हैं, लंबी अवधि के निवेशक हैं और जिनको ये शिकायत रहती है कि हमें नीचे में माल खरीदने में बड़ी परेशानी होती है, मिलता ही नहीं है, तो जो ये गिरावट आ रही है उसके अंदर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स यदि आप टुकड़ों में खरीदें यानी 1000 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 200 शेयर करके खरीदें तो आने वाले जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह से जब बाजार संभलेंगे उस वक्त इसका पूरा लाभ मिल सकता है। तो ये था स्टॉक मार्केट के ऊपर अपडेट। दोस्तों एग्रोजीन्स, नॉन एग्रो कमोडिटीज और शेयर बाजार और भारतीय करेंसी रुपया के ऊपर हमारा ये अपडेट मार्केट टाइम्स के ऊपर आज 20 दिसंबर को प्रसारित हो रहा है। एक और विशेष बात, ये सभी जानकारियां फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से आप तक पहुंचाई जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय देने से पहले आप स्वयं का विवेक, अध्ययन एवं अपने प्रमाणिक सलाहकार से भी सलाह कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की लाभ हानि या नफा नुकसान की जिम्मेदारी ना चैनल ना एनालिसिस की होगी। ये एक डिस्क्लेमर है, ये बहुत आवश्यक है इसको समझना और जानना। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।